नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं एजुकेशनल एक्सपर्टीज पर। आज फिर हम एक नए पेपर के साथ आपके सामने आए हैं। ये पेपर आपका रहने वाला है जॉग गुजरात सेट का ही पेपर अभी हम कर रहे हैं बच्चों, और आने वाले टाइम में हम गुजरात सेट के ही सारे पेपर ज्योग्राफी के करेंगे। ये पेपर 3 है जिसमें आपके 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये 2016 का पेपर है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस पेपर को सॉल्व करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। तो दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल रबर कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है? तो इसमें नाम जो आता है आपका बच्चों, थाईलैंड। थाईलैंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। थाईलैंड किस लिए, रबर के लिए फेमस है। चलिए ब्राजील की भी बात कर लीजिए, तो ब्राजील जो है वो कॉफी प्रोडक्शन में लीडिंग है वर्ल्ड में, और एक बहुत ही फेमस सेंटोस पोर्ट है यहाँ पे। सेंटोस पोर्ट को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन। तो दुनिया में सबसे ऊंचे पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपके जो ऑप्शंस रहेंगे, इक्वेटोरियल रीजन में, मॉनसून रीजन में, मेडिटेरेनियन सी रीजन में, या फिर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में। तो आप सभी को पता होना चाहिए इक्वेटोरियल रीजन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि इसका आंसर इक्वेटोरियल होना चाहिए, पर तो नहीं, इसका सही आंसर जो बच्चों क्या है वो है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है और टेम्परेट की बात हो रही है। आपका 20 से 40 डिग्री नॉर्थ हो या साउथ हो, दोनों ही जोन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और काफ़ी उच्चतम क्वालिटी के और काफी लंबे लंबे जो पेड़ हैं आपके देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन अपना रहेगा वो है स्मॉलर फार्म साइज, हाई प्रोडक्टिविटी, लो पर कैपिटा आउटपुट, ये कौन सी खेती की विशेषताएं हैं? यानी खेतों का साइज बहुत छोटा होता है बच्चों, प्रोडक्शन परंतु बहुत हाई होता है, परंतु प्रति व्यक्ति अगर हम फसल को बांटे तो वो बहुत ही कम होता है। तो आप सभी को पता है इस प्रकार की जो फार्मिंग है वो इंटेंसिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर में आता है, जो कि आपका साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी खेती करी जाती है, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं हम एक्सटेंसिव फार्मिंग की, तो एक्सटेंसिव फार्मिंग जो है आपके बच्चों वो डेवलप्ड रीजन जैसे प्रेयरीज जो है, ग्रासलैंड, वहां पर करी जाती है। अर्जेंटीना में पंपाज हो गया, तो यहाँ पर इस प्रकार की खेती देखने को मिलती है। वहीं में बात करी जाए मोनोकल्चर प्लांटेशन की, तो इसमें एक ही प्रकार के पेड़ों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी थाईलैंड की, तो थाईलैंड में क्या होगा, सिर्फ रबड़ के पेड़ों का क्या होगा, उत्पादन किया जाएगा, तो उसे मोनोकल्चर प्लांटेशन कहते हैं। और वहीं ड्राई फार्मिंग एक बच्चों आधुनिक तकनीक है जिसमें आज के टाइम पर हम उस प्रकार की खेती करते हैं जिसमें बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, उसको हम ड्राई फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया इज कॉस्ट बाय। तो भारत में सबसे ज्यादा जंगलों का जो नुकसान हुआ है वो किस कारण हुआ है? आपके ऑप्शन है रिवर वैली प्रोजेक्ट की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से। आपको पता है कि इंडिया में हरियाणा राज्य में डिफॉरेस्टेशन काफी ज्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। तो खेती के लिए उनको जमीन चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, लगातार पेड़ों को काटते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो है विच टाइप ऑफ नेचुरल हैजार्ड कॉज मैक्सिमम डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ। तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा एक नेचुरल हैजार्ड है, नेचुरल हैजार्ड की बात हो रही है बच्चों, जिससे प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा आपका नुकसान देखने को मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल के अंदर बच्चों सारे, यानी अर्थ क्रस्ट के ऊपर जितने भी सारे के सारे अर्थ क्रस्ट के नीचे जो आते हैं, जैसे अर्थक्वेक आपका हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी आपकी हो गई, सुनामी भी अर्थ क्रस्ट के ऊपर ही जियोलॉजिकली कारण है उसका। तो इन कारणों की वजह से क्या होता है, आपका सबसे ज्यादा डैमेज होता है प्रॉपर्टी को, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, बच्चों साइक्लोन से इतना ज्यादा डैमेज नहीं होता है जितना अर्थक्वेक की वजह से होता है, ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन है वो है द पोर वेल एंड कैनाल्स कैन बी डग इजिली इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरेन। तो बोरवेल यानी ट्यूबवेल और कैनाल कौन सी टेरेन यानी कौन सी स्थलाकृति में सबसे आसानी से खोदी जा सकती हैं। आपका पहला ऑप्शन है सॉफ्ट एल्यूवियल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, जो जलोढ़ मिट्टी है नॉर्दर्न प्लेन में जो पाई जाती है उससे, या रोलिंग डॉटेड हिली एरिया। हिली टेरेन की बात आई तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं टेरेन वेयर कन्फाइंड एक्वेफर इज बिलो नॉर्मल वाटर टेबल, यानी उस एरिया में जहां पर एक्वेफर यानी जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो वाटर टेबल से नीचे है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ये। नीस ग्रेनाइट बेसाल्टिक यानी इग्निशियस रॉक वाले एरिया में, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बच्चों, सॉफ्ट एल्यूवियम की बात हो रही है तो सॉफ्ट ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं उसे खोदा जा सकता है उस जमीन को, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है रिस्थोफर्स मेथड मे बी कैटेगराइज्ड इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। तो रिस्थोफर्स का जो मेथड था उसको हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे। आपके ऑप्शंस हैं इडियोग्राफिक, कोरोग्राफिक, कोरोलॉजिकल या नोमोथेटिक। तो बच्चों रिस्थोफर्स का जो मेथड है वो क्या कहलाता है, नोमोथेटिक कहलाता है। याद रखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, नोमोथेटिक कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, नोमोथेटिक कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका रहेगा बच्चों व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट फाइव ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, यानी पहला जो फाइव ईयर प्लान था बच्चों 1951 से 1955 तक था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, ट्रांसपोर्टेशनल नेटवर्क बनाना था, या एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी करानी थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होना था, ठीक है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इसका प्रमुख उद्देश्य रहा था, ठीक है। फाइव जो दूसरा फाइव ईयर प्लान था बच्चों, दूसरे फाइव ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। सेकेंड वाले का जो था उसका था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, याद रखना बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो प्रश्न देखेंगे बच्चों वो है मल्टी लेवल प्लानिंग मीन्स। तो मल्टी लेवल यानी बहुस्तरीय प्लानिंग से आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन है हाई लेवल प्लानिंग, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, सी रहेगा लो लेवल प्लानिंग, या डी रहेगा पंचायत से नेशनल लेवल प्लानिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बच्चों, पंचायत से नेशनल लेवल की प्लानिंग को हम मल्टी लेवल की प्लानिंग में शामिल करते हैं, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पर एक ज्योग्राफी ऑफ थॉट से क्वेश्चन आया है हु कॉन्सेप्चुलाइज्ड ग्रोथ पॉल थ्योरी। आप सभी जानते होंगे ग्रोथ पॉल थ्योरी जो दी थी वो मिस्टर पेरोक्स ने दी थी, यहाँ पर स्पेलिंग गलत रखी हुई है, ठीक है, पेरोक्स जी ने दी थी, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी थी। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है Which of the following is not associated with tornadoes? यहाँ पे not की बात करी जाइए, प्रश्नों को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पहला कोल्ड फ्रंट स्क्विरल लाइन, दूसरा है cumulonimbus clouds, सी है हाई वर्टिकल एक्सटेंशन, और डी बच्चों क्या रहेगा आपका, विंड स्पीड एक्सेलरेट आउटवर्ड, यानी जो जो वायु की गति है वो बाहर की तरफ तेजी से बढ़ती है। तो बिल्कुल ही सही, इसका नहीं की बात करें तो कोल्ड फ्रंट होता है बिल्कुल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड भी होते हैं, हाई वर्टिकल एक्सटेंशन भी होता है, इसकी हाइट लगातार बढ़ती चली जाती है, परंतु बाहर की तरफ हवा तेज नहीं होती है, ये चीज बिल्कुल ही गलत यहाँ पर दी गई है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है द डैश वॉज स्टार्टेड इन 1977 to 78 विद द एम ऑफ कंट्रोलिंग डिजर्टिफिकेशन, रिस्टोरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, क्रिएटिंग कंडीशन टू इम्प्रूव इकोनॉमिक लेवल ऑफ पीपल इन डेजर्ट एरिया। भैया डेजर्ट एरिया की बात करी जा रही है कि डेजर्ट एरिया में आपको मरुस्थलीकरण को रोकना है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है, और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ाए रखना है। तो ये कौन से प्रोग्राम के महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे थे। तो बच्चे डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम DDP के नाम से जानते हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, ये भी कोई प्रोग्राम नहीं था, ये भी कोई नहीं, बिल्कुल ही इसका आंसर बी ऑप्शन आपका टिक कर दीजिएगा, ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन है वो है
इको डेवलपमेंट रेफर्स टू, यानी इको डेवलपमेंट यानी पारिस्थितिकी विकास से आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में, या फिर फिजिकल और कल्चरल एलिमेंट। तो जाहिर सी बात है बैलेंस की बात करी जाती है इको डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट आपके क्या हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, आपके ट्री हो जाएंगे और ह्यूमन हो जाएगा। वहीं एबायोटिक क्या हो जाएंगे, लैंड हो गया आपका, रिवर हो गया, ये सारे हो जाएंगे। तो इन दोनों में बैलेंस बना के रखना है। अगर एक भी संसाधन कम होता है तो उस संसाधन की वजह से क्या होगा, पृथ्वी को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा और हमें उसके दुष्परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर बात करी जा रही है अकॉर्डिंग टू जी मिर्डाल। तो जी मिर्डाल ने बैक वॉश रेफर्स किस बात के लिए बैक वॉश का यूज किया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सप्लाई ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू सेंट्रल, क्या लेबर की सप्लाई के लिए या फिर जो मुद्रा है उसकी सप्लाई के लिए। बी ऑप्शन है हार्बर डेवलपमेंट, यानी तट के पास जो समुद्री जहाज रुकते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, या सी वेव्स और ट्रेड के लिए, या डी आपका ऑप्शंस रहेगा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लिए। तो बच्चों ये किस लिए किया जाता है बैकवॉश, ये होता है लेबर सप्लाई और कैपिटल कैपिटल टू सेंट्रल, क्योंकि बैकवॉश कभी आगे जा रहा है कभी पीछे की ओर जाना पड़ रहा है लेबर को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मैचिंग का है, जरा ध्यान से करेंगे। तो पहले ऊपर ही कर लेते हैं। तो तारापुर क्या है बच्चों, बताइए बताइए तारापुर क्या है, केमिकल इंडस्ट्री है वहां पर, क्या है वहां पे एक केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। जोधपुर के अंदर बच्चों कॉटन टेक्सटाइल डाई करी जाती है, और मनाली की बात करी जाए तो मनाली एक ऑयल रिफाइनरी और केमिकल इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर है, और कोरबा के बारे में आप सभी जानते हैं पावर प्लांट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो ये रहेगा द रूरल एंड अर्बन कैटेगरीज आर डिफाइंड बेस्ड ऑन। तो रूरल और अर्बन क्षेत्रों को की व्याख्या जो है वो हम किस आधार पे करते हैं, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पे, पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पे, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ अमेनिटीज यानी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके आधार पे, या ये सभी। तो बच्चों ये सभी हैं, ये सभी शामिल करी जाती हैं। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब है कोई भी जगह जहाँ पर 75% पॉपुलेशन अगर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज्ड है तो वो क्या हो जाएगी रूरल एरिया, और अगर वो नॉन एग्रीकल्चरल में है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा अर्बन एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो जिस क्षेत्र की पॉपुलेशन डेंसिटी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है तो वो अर्बन एरिया के अंदर आ जाता है। वहीं बेसिक अम्यूनिटीज आपको पता है सीवेज हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको अर्बन एरिया में ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। चलिए ये बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है अगला वाला बच्चों, देखिए रोडोन क्या है, रोडोन क्या है, क्या एक रेडियो एक्टिव गैस है, या मेटालिक एलिमेंट है, या लिक्विड सब्सटेंस है, या फिर सॉलिडिफिकेशन ऑफ कार्बन है। तो बच्चों इसका सही जवाब जो है वो है रेडियो एक्टिव गैस है। तो रोडोन क्या है, एक रेडियो एक्टिव गैस है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 18वां जो प्रश्न रहने वाला है बच्चों वो है द स्पेसिफिक प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, किसी एक क्षेत्र विशेष में एक वो पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, तो उसके इकोसिस्टम को आप क्या कहते हैं। तो बच्चों उसके इकोसिस्टम से को कहा जाता है नीच, क्या कहा जाता है उसको नीच, याद रखिएगा, क्योंकि ऑटोट्रॉप कौन होता है, ये प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल की बात करी जाती है, ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3। पिरामिड की बात करी जाएगी तो ट्रॉपिक लेवल 1 आ गया, इसके अंदर 2 आ गया, फिर इसके अंदर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है सेंट्रीपिटल फोर्स इंडिकेट। तो केंद्र त्यागी बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किस बात को इंडिकेट करता है, क्या ये पोलराइजेशन को इंडिकेशन देता है, या डिसेंट्रलाइजेशन को देता है, या पेरिफेरियल डेवलपमेंट को देता है, या सेक्टोरल डेवलपमेंट को देता है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो पोलराइजेशन है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक केंद्र की तरफ चीजें आ रही हैं, पोलराइजेशन यानी पोल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और अगर सेंट्रीफ्यूगल आता है तो एक केंद्र से बाहर की तरफ चीजें जाती हैं, याद रखिएगा, दो बड़े ही महत्वपूर्ण टर्म्स हैं ज्योग्राफी के अंदर, याद रखना है आपको, ठीक है।
तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फॉरवर्ड लिंकेज फैसिलिटी। तो लिंकेज फैसिलिटी किस लिए फॉरवर्ड करी जा रही थी? क्या ये डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाने के लिए करी जा रही थी, या अनबैलेंस डेवलपमेंट के लिए करी जा रही थी, या एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्स के चक्कर में करी जा रही थी, या फिर सोशल डेवलपमेंट के लिए करी जा रही थी? तो बच्चों लिंकेज का मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना। चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक एरिया ये है, एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, तीनों में पानी की आपूर्ति है, परंतु बीच वाले एरिया में क्या है, पानी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को लिंक कर दूंगा और पानी की आपूर्ति क्या हो जाएगी, इन तीनों एरिया वाले हिस्से में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, जरूरतें उनकी भी क्या हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। चलिए अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंबल रिवर है। तो आपने चंबल की घाटी में के बारे में तो सुना ही होगा, तो किस तरीके का इरोजन इसके लिए महत्वपूर्ण रहता है? तो आज सभी को पता है गली इरोजन इसके लिए महत्वपूर्ण रहता है। गली इरोजन के चक्कर में ही आपका चंबल रिवर्स का जो है निर्माण हुआ। चंबल का डाकू आपको याद ही होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इरोजन की वजह से गहरी गहरी खाइयां बन जाती हैं, तो डाकू जो थे वो इन्हीं एरिया में क्या हो जाता है, तो छुप जाते थे और उन्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हायरार्की ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑलवेज रेफर्स टू। तो जो हायरार्की होती है डेवलपमेंट की, वो किस चीज को दिखाता है? डिसेंडिंग यानी घटाव को दिखाता है, असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम को दिखाता है, या इक्वल ऑर्डर को दिखाता है, या अनइक्वल ऑर्डर को दिखाता है? तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा बढ़ते क्रम को दिखाता है। मान लीजिए डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये क्षेत्र आज छोटा है, यहाँ पे आज दो स्कूल हैं, आगे ये डेवलप्ड होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आप पांच स्कूल, ऐसे ही फिर ये और बड़ा होगा। चलिए समझते हैं, जैसे ईओपोलिस, फिर पोलिस, फिर मेगालोपोलिस, तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट की स्टेजेस ही तो हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द इंडिकेटर यूज फॉर डिलिमिटेशन ऑफ कल्चरल रीजन। यानी कल्चरल रीजन को डिलिमिटेट, यानी मान लीजिए ये कल्चरल रीजन है, तो इसकी जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को क्या कहा जाता है? क्या रिलीजन के बेस पे बनाया जाता है, कास्ट के बेस पे बनाया जाता है, या सोशल कस्टम्स के बेस पे बनाया जाता है, या डांस या गाने के बेसिस पे इसको बनाया जाता है? तो बच्चों इसका जो बढ़िया इंडिकेशन है वो आपका फोक डांस और फोक सॉन्ग है। आपने देखा ही होगा भारत के अंदर अलग तरीके की डांस और अलग तरीके के सॉन्ग्स यानी गाने गाए जाते हैं, परंतु अगर पाकिस्तान की बात करी जाए तो उसका अपना एक कल्चर है, वहाँ का अपना एक यह है, क्योंकि देखिए सॉन्ग्स और डांस कल्चरल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पोरबंदर, रत्नागिरी, तिरुवनंतपुरम और विशाखापत्तनम, ये क्या है इंपॉर्टेंट? क्या ये शिप बिल्डिंग एरिया है, फिशिंग एरिया है, पोर्ट है, या ऑफशोर माइनिंग है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चे ये सारे के सारे जो हैं इंपॉर्टेंट फिशिंग एरिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में पोर्ट आंसर आ रहा होगा, पर पोर्ट नहीं है बच्चों, क्योंकि रत्नागिरी कोई भी पोर्ट इंडिया के अंदर नहीं है, ठीक है। पोरबंदर भी पोर्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा बच्चों वो है द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डोमिनेटिंग सिटी इन स्टेट विद रिस्पेक्ट टू कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो किसी देश के अंदर सबसे बड़ा शहर जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए और एजुकेशनल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है ऐसे शहर जो होते हैं वो प्राइमेट सिटी कहलाते हैं। तो प्राइमेट सिटी जो का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने, जेफरसन ने दिया था। किसने दिया था? जेफरसन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड। तो संलग्नित ग्रामीण विकास किन चीज़ों को इंक्लूड करता है? बेसिक नीडों को करता है, या हाई लेवल डेवलपमेंट की बात करता है, या लो लेवल डेवलपमेंट की बात करता है, या ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बात करता है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, ये बेसिक नीड की अप्रोच है। क्यों? क्योंकि हमें गाँव के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करानी है इस डेवलपमेंट के थ्रू, ना कि हाई लेवल डेवलपमेंट कराना है, ठीक है। चलिए अगला जो है वो क्वेश्चन बोला जा रहा है कॉन्यूब्रेशन
कॉन्यूब्रेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन रहेगा, तो कॉन्यूब्रेशन जो है वो मिस्टर डहल ने दिया था, याद रखिएगा मिस्टर डहल ने कॉन्यूब्रेशन दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आर एप्लीकेबल टू दोज एरियाज वेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इज। तो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किन एरिया में लॉन्च किया गया, वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, क्या वो 25 से कम होनी चाहिए, क्या वो 50 से कम होनी चाहिए, या 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, या 25 से 50 के बीच होनी चाहिए। तो बच्चों वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसको हम ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। तो इसमें से कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा नहीं है, ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स, द ईस्टर्न प्लेटो एंड हिल्स, द वेस्टर्न घाट एंड द ट्रांस गंगा प्लेन। तो बच्चों इन चारों में से जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ये ट्रांस गंगा प्लेन्स एग्रो क्लाइमेटिक नहीं है, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों रीजन आपके देखे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है वो द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस ओवर वास्ट डिस्टेंसेस इन इकोनॉमिक डाइमेंशंस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी एंड पॉलिटिकल टाइज इज नोन एज। तो जब हाई लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी बढ़ने लग जाती है इकोनॉमिक लेवल पे, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे, तो उस चीज को हम कौन सी टर्म के नाम से पुकारते हैं, क्या वो पोलराइजेशन है, क्या वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या लिबरलाइजेशन है, या ग्लोबलाइजेशन है। देखिए लिबरलाइजेशन तो नहीं हो सकता, इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात नहीं करी जा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल टाइज की बात आ रही है। पोलराइजेशन भी नहीं है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन है, क्यों, क्योंकि एक कंट्री की इकोनॉमी इस व्यवस्था में दूसरी कंट्री से, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या टेक्नोलॉजिकली हो, क्या होती है, इंटरकनेक्ट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इसमें बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सा इनमें से करेक्टली जो है वो मैच नहीं है। चलिए बात करते हैं भाई, रैंक साइज रूल जीके जिफ ने दिया था, सीबीडी की बात कॉल्बी ने करी थी, ये सत्य है। प्राइमेट सिटी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट जेफरसन ने दिया था, ठीक है, जेफरसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो यही ऑप्शन जो है गलत हो जाता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है सिटी साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ट डिपेक्टेड बाय। तो किसी शहर के साइज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, क्या हम अर्बन हायरार्की के थ्रू पहचान सकते हैं, क्या हम सेंट्रल प्लेस थ्योरी से पहचान सकते हैं, या रैंक साइज रूल से पहचान सकते हैं, या लॉश के हेक्सागोनल मॉडल से पहचान सकते हैं। तो बच्चों रैंक साइज रूल से पहचान सकते हैं, आपको पता ही है सबसे बड़ी की पॉपुलेशन जो है अगर आप उसको दूसरी रैंक से डिवाइड करते हैं तो अगले शहर की आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, निकल आएगी, तो दूसरे शहर की पॉपुलेशन क्या आपकी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है रीजन डिलिनिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप आर कॉल्ड। तो रीजन को किस प्रकार से सीमांतित किया जाता है, वो कौन सा संबंध होता है, क्या वो नेचुरल रीजन होते हैं, या नोडल रीजन होते हैं, या प्लानिंग रीजन होते हैं, या डेवलपिंग रीजन होते हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर रहेगा वो नोडल रीजन होते हैं। तो नोडल रीजन के आधार पर क्या किया जाता है, सीमांकित किया जाता है क्षेत्रों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो रहेगा अपना स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन टैंक इरिगेशन वुड बी अब्सेंट, यानी टैंक इरिगेशन कौन सी जगह पे नहीं मौजूद होगा, लो रेनफॉल एरिया गुजरात और राजस्थान वाले जगह पे, रफ्ड एरिया जहाँ हाई रेनफॉल रीजन होते हैं, या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, या सेंट्रल डेकन प्लेटो वाले एरिया पे ऐसा देखा जाएगा। तो बच्चों बी क्या है, बी वाले एरिया में अब्सेंट रहेगा, भाई जहाँ हाई रेनफॉल है वहाँ क्या टैंक की क्या आवश्यकता हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गॉर्जेस इंडस सतलज एंड अलकनंदा। तो इंडस रिवर और सतलज रिवर और अलकनंदा रिवर के जो गॉर्जेस हैं वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं,
रिवर आर ओल्डर देन माउंटेन्स, क्या रिवर जो है वो माउंटेन से पुरानी है। अगला ऑप्शन है रिवर आर फ्लोइंग थ्रू सॉफ्ट बेड रॉक, क्या जो रिवर है वो सॉफ्ट बेड रॉक से फ्लो कर रही है। सी इंक्रीजिंग इन हाइट ऑफ टिबेटियन प्लेटो, क्या तिब्बत के पठार की ऊंचाई बढ़ने को इंडिकेट कर रही है। या डी फ्लोइंग ऑफ रिवर ऑरिजिनेटिंग ड्यू टू अर्थ मूवमेंट, क्या वो इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि अर्थ की मूवमेंट की वजह से ही ये रिवर जो है वो फ्लो कर पा रही हैं। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, वो इस बात को दिखाता है कि ये जो रिवर है वो रिवर क्या है, बहुत ही प्राचीन रिवर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है मेघालय स्टेट इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कॉम्बिनेशन, तो मेघालय के अंदर इन सभी में से कौन सा ट्राइबल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो पहला जो ऑप्शन है बच्चों वो है खासी मिजो, मिजो तो मिजोरम में मिलता है तो ये गलत हो जाएगा, गारो खासी। अगला है नागा, नागा तो नागालैंड में मिलता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, खासी नागा अभी बताया नागा नागालैंड में, तो भाई बिल्कुल ही बी ऑप्शन क्या बच्चा आपका करेक्ट बच्चा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है रिलेटिव शिफ्ट ऑफ मीन सेंट्रल ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी एग्जामिन अप्लाइंग, तो किसी भी क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सेंट्रल पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी रीजन में टाइम के साथ बदलता है, तो हम किस तरीके को अप्लाई करके हम ये जान सकते हैं कि वो कितना प्रभावित हुए। तो आपके ऑप्शंस हैं नियरेस्ट नेबर एनालिसिस द्वारा, हार्मोनिक मीन द्वारा, या मीन डेविएशन द्वारा, या वेटेज अरिथमेटिक मीन के द्वारा। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला है नियरेस्ट नेबर एनालिसिस के द्वारा, यानी आपको ये चीज पता लग जाएगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑन द मैप ऑफ फर्स्ट मेरिडियन लॉन्गिट्यूड वॉज शोन बाय, तो कौन किसने पहला मैप बनाया था जिसने मेरिडियंस यानी देशांतर रेखाओं को नक्शे के ऊपर दिखाया था। तो बच्चों क्या वो इराटोस्थनीस का काम था, नहीं। हेकेटियस का काम था, नहीं। टॉलमी ने पहला मैप बनाया था बट उन्होंने मेरिडियन को नहीं शामिल किया था, तो हेरोडोटस इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हेरोडोटस ने एक ऐसा नक्शा तैयार किया था जिसमें उन्होंने मेरिडियंस की बात कही थी, तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, किसके फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्होंने ही बात कही थी, क्या कही थी, जो नाइल रिवर है नाइल इज अ गिफ्ट ऑफ इजिप्ट, यानी नाइल क्या है, इजिप्ट रिवर का गिफ्ट है, याद रखिए। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1000 mm आइसो येट्स इज बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द टू रीजन ऑफ इंडिया विच डिवाइड्स द कंट्री इंटू रफली टू इक्वल पार्ट्स, तो बच्चे पहले हम समझते हैं कि आइसोयेट्स होते क्या हैं। तो आइसोयेट्स क्या होते हैं, इक्वल रेनफॉल के इक्वल रेनफॉल की लाइन को मिलाने वाली लाइंस को हम आइसोयेट्स कहते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि वह क्षेत्र कौन, मतलब 1000 mm रेनफॉल की जो बाउंड्री है वो किन प्रदेशों को अलग करती है। प्राइम मेरिडियन फॉर इंडियन स्टैंडर्ड, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ड्राइड एसिडुअस फॉरेस्ट, वीट एंड राइस ग्रोइंग रीजन, या डी क्लेई और सैंडी रीजन। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वीट और राइस की जो कल्टीवेशन है, राइस की कल्टीवेशन में आपको 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल की आवश्यकता होती है, परंतु वहीं वीट की बात करी जाए तो 100 सेंटीमीटर में आपका काम क्या हो जाता है, चल जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों 40 क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट विच ऑफ देम ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू है। तो पहला है हॉट स्प्रिंग्स आर जनरली एसोसिएटेड विद एरिया ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, करेक्ट है भाई। फिशर इनको कहते हैं, फिशर के नाम से जानते हैं, जमीन के नीचे से क्या होता है, देखिए जमीन के नीचे से जब लावा गर्म गर्म निकलता है तो उसमें ना मॉइस्चर बहुत होता है, तो वही मॉइस्चर हॉट स्प्रिंग्स के रूप में क्या होता है, बाहर की तरफ आता है। तो अगला जो ऑप्शन है वो है द वॉटर कमिंग आउट फ्रॉम हॉट स्प्रिंग कंटेन नंबर ऑफ डिसॉल्व मिनरल्स, बिल्कुल उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स होते हैं, बहुत ही जहरीली गैसेस भी होती हैं उनके अंदर, CO2 भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। ठीक है, इन इंडिया हॉट स्प्रिंग आर फाउंड इन एरिया ऑफ इग्निशियन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, बिल्कुल भाई तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने कहा कि इंडिया में उन एरिया में मिलता है जहाँ इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, तो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण अगला प्रश्न है,
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आर द फोर मेन डायरेक्शन दे आर नोन एज। तो इन चारों या न्यूज हम इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, न्यूज कहते हैं। तो इस न्यूज को किस नाम से जाना जाता है? क्या ये ज्योग्राफिकल पोल्स हैं, क्या ये कोऑर्डिनेट्स हैं, या कार्डिनल पॉइंट है, या जीरो डायरेक्शन है? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है, ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं। याद रखिएगा क्या है, ये दिशा सूचक बिंदु हैं, कार्डिनल पॉइंट्स हैं, इनको कार्डिनल पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट का है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है फॉग इज माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल वाटर ड्रॉप सस्पेंडेड इन एटमोसफियर। तो पहला पॉइंट क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है, तो क्या होते हैं ये सस्पेंडेड होते हैं, मान लीजिए डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वाटर क्या क्या होता है इन डस्ट पार्टिकल्स के आसपास क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, जिससे फॉग का क्या होता है निर्माण होता है। ठीक है, वही बात करी जाती है दे आर एसोसिएटेड विद इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन देखिए, अगर हम ऊपर जाते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, पर कुछ कंडीशन में क्या होता है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन की वजह से ही जो फॉग है वो क्रिएट होता है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये प्रोवाइड कर रहा है हमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट कोरल फॉर्मेशन। तो दुनिया में लार्जेस्ट कोरल फॉर्मेशन आपकी कौन से पैसिफिक में पाई जाती हैं? तो आपके ऑप्शंस रहेंगे नॉर्थ पैसिफिक में, या साउथ पैसिफिक में, या साउथ अटलांटिक में, या नॉर्थ अटलांटिक में। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ अटलांटिक में। आपको पता ही है अगर मैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का निर्माण करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पास, यानी इस वाले पार्ट में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए साउथ पैसिफिक क्या हो जाएगा, बड़ी, बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो बच्चे हैं वो आपके मार्क्स या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि इस तरह के प्रश्न जो हैं वो आपके बिल्कुल भी गलत ना हो, क्योंकि अगर ये गलत होते हैं तो बड़ा ही दिक्कत वाला मामला हो जाता है। तो बात करते हैं इंटरवेंशन स्ट्रेटजी ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो पॉपुलेशन पॉलिसीज जो आज तक आई हैं, बिगिनिंग से लेके आज तक, तो उनका क्रोनोलॉजिकल आपको ऑर्डर सेट करना है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो बच्चे क्लिनिक अप्रोच क्या आई थी, पहले आई थी। ठीक है, यानी आपका ए और बी में से हो जाएगा, तो दो दो दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो आपका बच्चों आया था वो आई थी एक्सटेंशन अप्रोच, एक्सटेंशन अप्रोच। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आई थी इंटेंसिफिकेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, उसके बाद आपके आई थी रिटर्न ऑफ वॉलेंट्री बर्थ कंट्रोल, उसके बाद आई थी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ठीक है, बड़ा ही इस प्रश्न को बच्चों आपको कई बार प्रैक्टिस करना होगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायनेमिक सॉइल फॉर्मिंग सेक्टर। नॉट की बात करी जा रही है, तो इनमें से कौन सा एक गतिक मृदा निर्माण फैक्टर नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं क्लाइमेट, पेटेंट मटेरियल, या रिलीफ, या फिर टाइम। तो बच्चों इसका सही आंसर जो है वो ही क्लाइमेट है। क्लाइमेट एक डायनेमिक फैक्टर नहीं है, पर पेटेंट मटेरियल, रिलीफ और टाइम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला को जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटोजेनिक सॉइल क्लासिफिकेशन द कलर ऑफ सॉइल इज इन हॉट ड्राई क्लाइमेट वुड बी। तो अगर हॉट और ड्राई क्लाइमेट है तो सॉइल का कलर क्या होगा बच्चों? तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या रेड होगा, क्या ब्लैक होगा, येलो होगा, ब्राउन होगा। तो बच्चों बात करते हैं, तो आपको पता है रेड सॉइल, ये रेड कलर होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से सॉइल का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर आप जैसलमेर की तरफ जाते हैं तो वहाँ साफ देखेंगे। बच्चों अगला जो प्रश्न रहने वाला है आपका वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट इन सम चेंजेस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर ब्रॉट। तो औद्योगिक क्रांति से कौन कौन से चेंजेस आए थे प्रोडक्शन को लेके, तो उन चेंजेस को आपको इनमें से बताना है कि कौन से करेक्ट हैं। तो पहला पढ़ते हैं
क्रूड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर रिप्लेस्ड बाय मोर फाइनर मीन्स। तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ा तो उसकी वजह से बच्चों क्या हुआ कि फाइनर तरीके हम सीखने लग गए कि और बेहतरीन कैसे अपने प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं अर्बन सेंटर्स वर डेवलप्ड नियर एग्रीकल्चर मार्केट। अरे देखिए भाई बिल्कुल ही गलत पॉइंट हो गया। एग्रीकल्चर मार्केट कौन चूज करता है आज के टाइम पर? नहीं करता कोई भी। तो अगला पॉइंट है स्पेशल डिस्पैरिटी बिटवीन द कंट्रीज रिगार्डिंग मिनरल रिजर्व एनहांसिंग सोशल एंड पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है। देखिए किसी क्षेत्र में संसाधन ज्यादा है तो वो कंट्री क्या हो जाएगी डेवलप करना शुरू कर देगी, पर जहाँ संसाधन नहीं है तो वो डेवलप करना नहीं शुरू करेगी। तो इसकी वजह से एक तरह का पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो जाता है, सोसाइटी के ऊपर भी काफी प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इसका क्या सी, इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आप देखेंगे अगला प्रश्न वो है सेडिमेंट्स एट द आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ कैन बी थिक। तो जो सेडिमेंट होते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ के आउटर एज पे तो उनकी थिकनेस कितनी होती है? क्या वो 8 किलोमीटर तक होते हैं, 10 किलोमीटर तक होते हैं, या 12 किलोमीटर थिकनेस होती है, या 15 किलोमीटर थिकनेस होती है? तो बच्चों उनकी थिकनेस अप टू 15 किलोमीटर जाती है, यानी मैं मोटाई की बात कर रहा हूँ, सेडिमेंटेशन की मोटाई की बात कर रहा हूँ, तो ये 15 किलोमीटर के आसपास तक आपकी जाती है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है विच वन ऑफ द क्लाउड क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर एयरप्लेन्स। तो इनमें से कौन से क्लाउड ऐसे हैं जो एरोप्लेन के लिए एक समस्या क्रिएट कर सकते हैं? साइरस, क्यूमुलस, निम्बस या स्ट्रेटस? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो आपका है वो स्ट्रेटस क्लाउड जो है वो एक क्रिएट कर सकते हैं प्रॉब्लम एयरप्लेन्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ वर्ल्ड आर मोर इंपॉर्टेंट मरीन फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन से ऐसे कोस्ट हैं जो समुद्री मछली पट्टनों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, यानी वहां सबसे ज्यादा फिशिंग करी जाती है? पहला ऑप्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक, ईस्ट और वेस्ट साउथ पैसिफिक, ईस्ट वेस्ट साउथ अटलांटिक या इंडियन ओशन। तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन क्या है वो करेक्ट है। देखिए आपको पता ही होगा ग्रैंड बैंक जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में है, ठीक है, डाबर बैंक, डाबर बैंक जो है वो आपका कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट यूरोप में है। ठीक है, तो ये दो फिशिंग के सबसे फेमस जगह है जहाँ पर मरीन फिशिंग सबसे ज़्यादा करी जाती है। चलिए द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट टेम्परेचर ऑफ। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी पानी की कितने टेम्परेचर पर पाई जाएगी? क्या वो 0 है, 2 है, 7 है या 6 है? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा अपना बताओ? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, संस्था ने क्या माना? 7 को सही माना। ठीक है, 7 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। बच्चों अगर सेलाइन वाटर की पूछी जाए, सेलाइन वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा कितने टेम्परेचर पे होगी? तो वो 2 होगा उसका आंसर, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है Which one of the following is not the characteristics of ocean bodies? तो इनमें से कौन सी एक ocean bodies की क्या है विशेषता नहीं है? पहला है greater evaporation, दूसरा है mobility and mixing, तीसरा है lower specific heat और transparency। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? lower specific heat। देखिए greater evaporation होता है, mobility mixing भी होती है, transparency भी है, but ये point नहीं होता है इसीलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन। तो वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? लो लैटिट्यूड विद हाई प्रेसिपिटेशन जोन में, मॉनसून रीजन वेयर रेनफॉल इज सीजनल, रीजन वेयर टेम्परेचर रिमेंस 6 डिग्री एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, या रीजन विच रिसीव मच ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर एंड समर। देखिए इसका सही आंसर आप सभी को पता है क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेन पाए जाते हैं वहीं रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द नॉर्मल पोजीशन ऑफ थर्मल इक्वेटरीज। तो नॉर्मल पोजीशन की बात करी जा रही है थर्मल इक्वेटर की, यानी तापीय विषुवत वृत्त रेखा की बात करी जा रही है। तो वो कितने डिग्री सेल्सियस है? क्या वो 0 है, क्या वो 5 है, क्या वो 5 साउथ है या 10 नॉर्थ है? बच्चों नॉर्मल पोजिशन क्या है?
5 डिग्री नॉर्थ है, याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम एजर्शन और रीजन का है, झेलम इन द वैली ऑफ कश्मीर इज स्टिल इन इट्स यूथ स्टेज एंड येट फॉर्म्स मियांडर। तो कहा जा रहा है कि जो झेलम रिवर है वो अपनी यूथ स्टेज में है पर मियांडर्स का निर्माण वो कर रही है, तो ये सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है द मियांडर्स इन रिवर झेलम आर कॉज्ड बाय द लोकल बेस लेवल फाउंड इन वैली ऑफ कश्मीर। ये भी भाई रीजन क्या है, इन्होंने रीजन दिया कि झेलम रिवर जो है वो इसलिए ऐसा काम कर रही है क्योंकि कश्मीर वैली में है जो वो रिवर जो है वो अपने बेस लेवल को क्या है प्राप्त कर चुकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है अच्छी, पर दोनों पॉइंट क्या है सही है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, दोनों पॉइंट सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन अभी भी नहीं दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तो यहाँ दे रखा है द टाइडल फोर्स ऑफ मून इज मोस्ट पावरफुल व्हेन द मून इज नियरेस्ट टू द अर्थ एट द डिस्टेंस ऑफ 356,000 किलोमीटर, द टाइड कॉज्ड एट दिस टाइम आर नोन एज। तो जब चंद्रमा जो है, चांद जो है, वो पृथ्वी के सबसे पास होता है तो भाई उसका ग्रेविटेशनल पुल क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा हो जाएगा, होगा, तो उसकी वजह से जो टाइड आते हैं तो उन टाइड्स को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, स्प्रिंग टाइड जो होगा तीनों एक ही सीध लाइन में होंगे, नीप टाइड 90 एंगल डिग्री पे होंगे सन और वो, ठीक है, पेरिजीनियन होगा या एपोजीनियन। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एपोजीनियन, याद रखिएगा, निम्न बिंदु एपोजीनियन के नाम से जाना जाता है जब मोस्ट पावरफुल होता है, जब अर्थ मून जो है वो नियरेस्ट होता है पृथ्वी के। बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा नेट JRF के एग्जाम में भी नहीं देखा गया है। तो चलिए गुजरात के रेनफॉल जोन को मैच करते हैं, जाहिर सी बात है गुजरात का पेपर है और ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन गुजरात से ना दें। तो अगर हम बात करें मोर देन 1000 तो वो कहाँ पर रेनफॉल होती है आपकी, होल सौराष्ट्र मच इन गुजरात एंड नॉर्थ, बिल्कुल सही है। अगर बी की बात करें तो बी जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका, ये वडोदरा और खेड़ा वाला एरिया हो जाएगा। सी की बात करें तो ये आपका सी क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे, और लेस देन 400 कच्छ, आपको पता ही है सबसे कम रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते थे कच्छ के हिसाब से भी अगर चलते, पर यहाँ 2 पॉइंट थे तो आपको कहीं ना कहीं इसको याद करना पड़ेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है द पॉपुलेशन ऑफ गुजरात अंडर डिफरेंट रिलीजन ग्रुप इन टर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो घटते क्रम में पॉपुलेशन को आपको लगाना है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ कौन सी पॉपुलेशन है, हिंदू है, ठीक है, हिंदू 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो पॉपुलेशन आती है वो मुस्लिम आती है, तो ये भी 2 जगह दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो पॉपुलेशन है बच्चों वो क्रिश्चियन नहीं जैन है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू फ्रंट्स एंड द रीजनरेटिंग ऑफ डिकेइंग फ्रंट्स इज नोन एट। तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें नए वाताग्रों का निर्माण होता है और जो पुराने वाताग्र होते हैं वो दोबारा से जीवित होते हैं, क्या वो अक्लूजन है या वो फ्रंटल सरफेट है, फ्रंटल सरफेस है या फ्रंटल जोन है या उसको फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। बच्चों कभी भी बात आएगी तो ऐसी चीजें फ्रंटोजेनेसिस है, मान लीजिए ये आपकी कोल्ड विंड है, ठीक है, और ये आपकी वार्म विंड है और इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा, ठीक है, उसको हम फ्रंटोजेनेसिस यानी फ्रंट, ये इसको हम क्या कहते हैं, बीच वाले एरिया को फ्रंट कहते हैं, बट इस पूरे प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस कहा जाता है, यानी वाताग्रों के निर्माण को हम फ्रंटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है अपना रहेगा बच्चों, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेयरिंग सिस्टम ऑफ अर्थ, यानी यहाँ लेयरिंग पृथ्वी के स्तरीय व्यवस्था की बात करी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 60 है, जरा ध्यान से देखेंगे, द लेयर बिलो क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो क्रस्ट के नीचे, चलो इसको थोड़ी देर मैं आपको समझाता हूँ, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं सियाल, बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं सीमा और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं निफे। तो क्रस्ट जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, जो मेंटल है वो आपका सिलिका और मैग्नीशियम से बना है और जो कोर है वो निफे और फेरस से बना है। चलिए अब क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं।
तो यहां पर बात करी जा रही है कि द लेयर बिलो क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ सिल्का एंड एल्युमिनियम, ठीक है, ये तो पॉइंट करेक्ट हो गया, मैंने आपको बताया सिल्का और एल्युमिनियम सब नहीं है। कोर हैज द एवरेज डेंसिटी, अरे बिल्कुल नहीं, कोर की डेंसिटी बच्चों 13 है, याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे है निफे, निफे अभी मैंने आपको बताया निफे कोर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट गलत है, यानी मात्र पहला पॉइंट क्या है आपका सही है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया था इन्होंने। चलिए जरा इस क्वेश्चन की बात करी जाए स्टेटमेंट 1 और 2 की, तो यहाँ पर दे रखा है रिसोर्स इवॉल्व्स आउट ऑफ डायनेमिक इंट्रैक्शन ऑफ नेचर मैन एंड कल्चर, बिल्कुल सही बात है, रिसोर्स जो है वो नेचर मैन और कल्चर की मदद से ही बनते हैं। उसके बाद है कल्चर हैज डुअल फंक्शन ऑफ एनलार्जिंग रिसोर्स एंड रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस ऑफ नेचर, बिल्कुल सही बात है, रिसोर्स की संभावनाएं हमारी कल्चर ही बढ़ाता है। सिंपल सी बात है, आदि मानव के टाइम पे भी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला था, परंतु आज कोयला, आज उस टाइम पे वो रिसोर्स नहीं था क्योंकि कल्चरली डेवलप नहीं थे, बट आज हम कल्चरली डेवलप्ड हैं जिसकी वजह से वो रिसोर्स बन पाए हैं। तो इसका करेक्ट बिल्कुल पढ़ी बिल्कुल यही आंसर है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल जबरदस्त दे रखी है। चलिए जरा इसको मैच करते हैं, डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, सॉरी क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। अच्छा हाँ हाँ, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट कहाँ पाया जाएगा बताइए बच्चों, तो डिस्पर्स सेटलमेंट जो है बच्चों आपका बी, ये सेंटर में नहीं पाए जाएंगे, ये बाहर पाए जाएंगे, बाहर के दी हैव नो सेंटर्स पॉइंट, बिल्कुल। उसके बाद है बी का क्या होगा, लीनियर की बात करी जाए तो रेल लाइन, रोड लाइन या हाईवे के पास होगा, तो न्यूक्लियर क्या होगा, ये होगा, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा लीनियर सेटलमेंट हमेशा रोड हाईवे और रेल के पास होंगे, न्यूक्लियर जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक सेंटर पे पाए जाते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वंस अगेन मैचिंग है, चलिए मैच करते हैं, जरा देखते हैं कि इसका भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो बच्चों आंसर रहेगा अपना, उमिया जो है वो एक सेंट्रल रेंज ऑफ कच्छ है, ठीक है, जो कि लखपात में है, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड रुकिए, सॉरी सॉरी यहाँ गलती हो रही है, उमिया जो है वो एक आइलैंड है, ठीक है, क्या है, आइलैंड। तो यहाँ पे 4 और 4 दो जगह पर है। उसके बाद मैच करते हैं सेकंड को, सेकंड कटरोल, हाँ कटरोल जो है वो एक सेंट्रल रेंज है कच्छ में, बिल्कुल सही। तो यहाँ आ गया 3, तो ये क्या हो जाएगा, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो चारी है वो एक सदर्न रिज ऑफ कच्छ है और पंचाम जो है वो दारा रंगधार प्लेट्यू के अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं ये बात किस चीज की कर रहा है, तो ये सारगैसो सी की बात कर रहा है जो कि अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, तो इनमें से कौन सी इनमें बातें सही हैं, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड सी, क्या ये एक इनलैंड सी का एग्जाम्पल है, नहीं बच्चों, ओशन के अंदर इनलैंड कैसे हो सकता है, तो इट इज मोशनलेस सी, बिल्कुल सही बात है। होता क्या है, गल्फ स्ट्रीम ऐसे जाती है, उसके बाद वो क्या होती है, उसके कॉन्टेक्ट में आ जाती है वेस्टर्लीज, फिर वो नीचे करारी, तो ये एक सर्कल पूरा क्रिएट हो जाता है, तो ये जो जोन है वो क्या हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है। सारगैसो एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां सारगैसम नाम की क्या पाई जाती हैं, शैवाल पाई जाती हैं या फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, घास पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसको इनाम दिया गया है। अगला जो है इट रिकॉर्ड्स हाई सैलिनिटी, भाई जाहिर सी बात है यहाँ हाई सैलिनिटी क्या है पाई जाएगी, क्यों, क्योंकि ये मोशनलेस एरिया है, मिक्सिंग नहीं हो पा रही है, तो सैलिनिटी अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। वंस अगेन पढ़ते हैं ये किस रिगार्डिंग है, देख लेते हैं, तो ये है वॉल्केनो के रिगार्डिंग है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है वॉल्केनो के रिगार्डिंग। तो बात करते हैं जरा हम, द पार्ट कनेक्टिंग द वॉल्केनिक माउथ एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ इज नोन एज वॉल्केनिक पाइप, बिल्कुल सही बात है, वॉल्केनिक पाइप ही इस चीज को कनेक्ट करता है। अगला जो ऑप्शन है वो है वॉल्केनिक इरप्शन आर मोस्टली एक्सप्लोसिव, ज्यादातर एक्सप्लोसिव होते हैं, ये भी सच है। उसके बाद वॉल्केनो कैन बी मेजर्ड इन रिक्टर, अरे रिक्टर स्केल में तो अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, यहाँ गलती खा गए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है वंस अगेन क्या आ गया, गुजरात की सॉइल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक सॉइल,
तो गुजरात में कुछ लोकल सॉइल हैं, ठीक है। तो चलिए, भट्टा सॉइल जो है आपकी, वो रीसेंट एलुविलियम सॉइल को वो भट्टा सॉइल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गोराट की, तो गोराट जो है वो ओल्डर एलुविलिया के नाम से जानी जाती है, और गोराडू जो है वो सैंडी लोम है, और बीसर जो है वो पुअर सैंडी सॉइल है। यानी डी ऑप्शन क्या है बच्चों, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को, बड़े ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो है वो है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोस्ट ग्रोथ पोल्स आर। तो ग्रोथ जो ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग के जो ब्लॉक्स हैं उनकी ग्रोथ मॉडल्स क्या हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन या लेबर सप्लाई फंक्शन। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, तीनों ही है, प्रोडक्शन फंक्शन भी है, सेविंग फंक्शन भी है, और लेबर सप्लाई फंक्शन भी इसका एक काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो इनमें से कौन सा जो तथ्य है वो एक पॉजिटिव इफेक्ट पॉपुलेशन पे डालता है। तो बच्चों माइग्रेशन इज एज एंड सेक्स सेलेक्टिव, बिल्कुल ही कथन बिल्कुल ही सही है, ठीक है। माइग्रेशन इंक्रीज ग्लोबल पॉवर्टी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल पॉवर्टी के पीछे सिर्फ माइग्रेशन कारण नहीं हो सकता है। माइग्रेशन अफेक्ट पॉपुलेशन कंपोजिशन, जाहिर सी बात है कंपोजिशन को तो इफेक्ट करता ही करता है, यानी क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्यों करता है, देखिए अब मान लीजिए रूरल एरिया में क्या होता है, फीमेल का ज़्यादा माइग्रेशन होता है, तो क्या होगा, एक गांव से दूसरे गांव में कंपोजिशन क्या होगा, पॉपुलेशन का चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। अगला है द शॉर्ट डिस्टेंस आउट माइग्रेशन इन इंडिया हैज डोमिनेंस ऑफ। तो शॉर्ट डिस्टेंस आउट माइग्रेशन जो है वो किन का डोमिनेंस है, यंग फीमेल्स का, यंग मेल्स का, एल्डरली मेल्स का, या चाइल्ड पॉपुलेशन का। तो बच्चों यंग फीमेल्स का जो है कम पाया जाता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो सिर्फ यंग फीमेल्स, जाहिर सी बात है फीमेल्स की सिक्योरिटी के चक्कर में क्या होता है, हम उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना नहीं देते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है भारत की, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ट्रांसवर्स हिमालय। तो कौन सी कंट्रीज जो है वो ट्रांसवर्स हिमालय के अंदर शामिल करी जाती हैं। आपके ऑप्शन है भूटान, इंडिया, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, या ये भूटान, इंडिया, अफगानिस्तान। नहीं, अफगानिस्तान तो हो ही नहीं सकता, म्यांमार भी नहीं हो सकता है, पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान तो हो भी सकता है और म्यांमार नहीं हो सकता, तो यहाँ बचा गया भूटान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इंडिया भी, नेपाल भी, चाइना भी, पाकिस्तान। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है द इवेल्युएशन ऑफ प्लांट इज साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड बाय। तो जब किसी प्लांट का इवोल्यूशन होता है, यानी उसका उद्गमन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको साइंटिफिकली किस नाम से पुकारा जाता है। तो बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट सक्सेशन कहते हैं। यानी एक प्लांट का क्या हुआ है, सक्सेशन हुआ। आगे क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स की बात आती है, तो किसी जगह पर क्या होता है, एंड होता है, यानी किसी प्रजाति का एंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच करेक्टली। तो कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच नहीं है। चलिए पीटर हैगेट, ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस, भाई पीटर हैगेट ने लिखी थी, जेम्स ने ऑल पॉसिबल वर्ड्स, बिल्कुल बहुत अच्छी बुक है ये भी, और एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी मार्क्स ने नहीं लिखी थी, ठीक है, ये बड़ा ही गलत हो गया, एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करी थी इन्होंने, और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की बात इन्होंने ही करी थी, और गोल्डी ने मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट भी दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एशियन सिटीज विच पॉसिबली हाई टोटल लेवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों जो हवा के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनमें से कौन से पढ़ते क्रम में आपको लगाना है, सीक्वेंस बताना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, दिल्ली में भाई सबसे ज़्यादा आपको बताइए, उसके बाद ये आता है, ठीक है, उसके बाद जकार्ता और कोलकाता आता है, यानी बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला स्टार सिंबल इन वेदर मैप। तो स्टार जो सिंबल है वेदर मैप में किस चीज़ को दिखाता है, क्या वो ड्रिजल को दिखाता है, रेन को दिखाता है, शावर को दिखाता है, या स्नो को दिखाता है। तो बच्चों वो किस चीज़ को दिखाता है, स्नो को दिखाता है, स्नो फॉल को स्टार मैप दिखाता है, ठीक है। रेन जो है वो एक ब्लैक डॉट होता है, ऐसे ब्लैक डॉट दिखाता है, ठीक है।
ड्रिजल्स जो है वो छोटे छोटे दिखाता है डॉटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए क्वेश्चन है, द अर्थ सरफेस रिसीव मैक्सिमम एनर्जी एट 12 नून बट मैक्सिमम टेम्परेचर नेवर अकोर्स 12 नून, उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए सबसे ज्यादा जो गर्मी है सूरज से 12 बजे मिलती है, परंतु सबसे गर्म, सबसे ज्यादा टेम्परेचर 12 बजे नहीं देखने को मिलता, वो 2 बजे मिलता है देखने को, कि ऐसा रीजन क्या है। पहला है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू हीट रिक्वायर्स सम टाइम, क्या सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज होने में कुछ टाइम लगता है। भाई बिल्कुल सही बात है, समय तो लगेगा ही, ठीक है, क्यों, क्योंकि 78% जो एरिया, सॉरी पूरी अर्थ के ऊपर ओशंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 71% एरिया पे फैले हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी कुछ ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने। अगला, द लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सीड द एनर्जी रिसीव फ्रॉम सन एट 4 PM। भाई जाहिर सी बात है, लॉन्ग वेव जो रेडिएशन है उसका इम्पैक्ट 4 PM के बाद क्या हो जाता है, अपना स्टार्ट हो जाता है। वहीं बात करी जाती है, नहीं ये गलत है, 4 PM के बाद थोड़ी होता है, ये बिल्कुल ही गलत पॉइंट है, बी ये गलत है, ये गलत है, गलत है। अगला जो है, एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम सोलर एनर्जी कंटिन्यूस टू एक्सीड, हाँ जाहिर सी बात है, 4 PM तक वो बढ़ती जाती है, 4 PM के बाद घटना शुरू करती है, सी विल बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। सो आई होप गाइज आज का पेपर काफ़ी अच्छा रहा होगा, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए पेपर के साथ। With the best of the best.